अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस हो गए। मजाक में किसी की जान नहीं ली जाती निशा। अर्जुन, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह है ये तो मैं ही जानती हूँ। तुम मजाक कर रही लूंगा, पर तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए असंभव है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस हो गए। मजाक में किसी की जान नहीं ली जाती निशा। अर्जुन, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह है ये तो मैं ही जानती हूँ। आप लोगों का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो अर्जुन जी जाके बरातियों को खाना खिला दीजिए। जी। और सुन, तेरे पिताजी ने दहेज में क्या क्या बनाया? ये तो चांदी है, सोना नहीं बनाया। महाराज रोटियां कहाँ हैं? बोला जरा रोटियां लाना भाई। अर्जुन, हे शिवा। सॉरी यार, आने में देरी हो गई। वो क्या है कि दिल्ली फ्लाइट लेट पहुंची ना। बड़ा आदमी बन गया है, हवाई जहाज से चलता है। मैं तेरी तरक्की से बहुत खुश हूँ। आराम से, शिल्पा बहन का तोहफा गिरा दिया ना। शिवा, ये रिवॉल्वर छोड़ना यार, चल। शिवा, तू मुंबई में कोई उल्टे सीधे काम तो नहीं करता? ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है अर्जुन जितने तुम समझ रहे हो, और बाकी अपने अपने जीने के तरीके हैं बस। इसका मतलब है तुम्हारा तरीका गलत है। क्या सही है और क्या गलत, ये वक्त नहीं है बहस करने का। मां साहब बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो मां साहब। भाई माँ शिकायत कर रही थी कि आप लोगों ने हमें शादी का कार्ड तक नहीं भेजा। क्यों, हमसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं संजय बाबू, कार्ड तो भेजा था। आपका मतलब है मेरी माँ झूठ बोल रही है? शादी के दिन टोली की जगह अर्थियों को कहा थी तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। शिवा आज कुछ नहीं करना, मैं हाथ जोड़ता शिवा आज कुछ नहीं करेगा। तुम लोग इससे डरते क्यों हो इतना, समझ में नहीं आता मुझे। ये बड़े घरों के हरामी लौंडे हैं, किसी दिन लपेट दिया ना किसी ने तो साथ पूछते इसकी भजन गाती पैदा होंगे, बता रहा हूँ। अर्जुन, अर्जुन कौन है वो? संजय शर्मा। शिल्पा शादी होते ही मुझे भूल तो नहीं जाओगी? यस। आपने खुशी के मौके पर आकर काफी टेंशन पैदा कर दी, अब आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप हैं कौन? आई एम निशा। ओहो, तो आप हैं निशा जी। भाई बिल्लू ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। अब आप ओके, लेकिन हम लोग फिर मिलेंगे। डेफिनेटली। चलो बे। निशा, क्यों तुम उस गुंडे के मुंह लग रही थी? फॉरगेट, चला गया ना। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। अच्छा लग रहा है ना हमारे ऋषिकेश। वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। वाव, प्रणाम। लवली निशा जी, वेलकम टू माय हाउस। तो ये शानदार घर आपका है मिस्टर संजय शर्मा? जी हाँ मैडम। आप जैसे कॉकरोच को तो किसी गंदी नाली में पैदा होना चाहिए था, कहाँ ऐसे आलीशान मकान में पैदा हो गए। कॉकरोच की मिसाल अच्छी दी आपने, जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो सिर्फ कॉकरोच ही जिंदा रहेंगे और नाजायज बच्चे पैदा करते रहेंगे। स्टूपिड। अरे आप खड़ी क्यों है, बैठिए ना, मैं नीचे आता हूँ। निशा यहाँ क्या कर रही हो? चलो। मैं वो, अरे मगर सुनो बेवकूफ लड़की, जानती है संजय शर्मा का घर है? अब मुझे क्या पता कि ये उसी का घर है। हाँ, मिला भी तो संजय शर्मा का घर मिला। चलो मां साहब, मां साहब एक मिनट, आप इनकी साइकिल ले जाइए, मैं इनको अपनी गाड़ी में छोड़ दूंगा। चलिए मैं, चलिए। अरे अरे चलिए ना, मेरा हाथ छोड़िए। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। चलिए संजय बाबू, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ना इनका हाथ। अच्छा, अबे ओ बिल्लू, अगर हमने इस कन्या का हाथ नहीं छोड़ा तो मां साहब को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो हमें धक्का दे देंगे।
कन्या भैया मंत्री जी आ गए। देखिए देखिए मंत्री जी, ये संजय शर्मा मुझे जबरदस्ती अपने साथ उठा के ले जाना चाहता है। क्या बात कर रही हैं आप? संजय बाबू तो बहुत ही शरीफ इज्जत। प्लीज बी क्वाइट, उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा, उसे कुछ कहिए सर। तुम चिंता मत करो, कौन है वो लड़का? मंत्री जी वो मेरा बेटा है। संजय ये क्या तमाशा बना रखा है? अरे माँ ये लड़की खुद चल कर यहाँ आई है, इसे मालूम था कि आज हमारे यहाँ होम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। मुझे तो लगता है माँ ये ऑपोजिशन वालों की चाल है आपको बदनाम करने के लिए, जिसमें खामखा ये लड़की मुझे भी इन्वॉल्व कर रही है। ये झूठ बोल रहा है सर, आप चाहे तो प्रोफेसर दीक्षित से पूछ लीजिए ये क्या कर रहा था और उनको भी इसने किस तरह मैनहैंडल किया। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। मां साहब यहां आइए जरा। नमस्ते, नमस्ते। हां मां साहब सच बताइएगा, क्या मैंने इस लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती की है या आपके साथ कोई हाथापाई की है? बोलिए। अरे बोलिए ना मां साहब। जी नहीं। देख लिया मां, मैं कह रहा था ना ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे ये सब पॉलिटिकल गेम्स हैं, चलिए अंदर चलिए। आइए मंत्री आइए। निशा, निशा 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 अर्जुन तुम यहां क्यों आए हो? निशा मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, मगर मेरी भी कोई मजबूरी थी और आज मैं वो बात ना तुम बात करने लायक हो ना मुलाकात करने। निशा निशा बाहर निकलो यहाँ से, ऐसे गिरा। क्या कर रही हो निशा? मेरा नाम जपने से तुम बहादुर नहीं बन जाओगे अर्जुन दीक्षित। तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ नदी में कूदने के लिए है, इज्जत बचाने के लिए नहीं। थू है तुम पर। निशा वो दो कौड़ी का गुंडा मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था और तुम उन बुजदिलों की तरह खामोश खड़े थे जो दूसरों की मर्दानगी के पीछे अपनी नामर्दगी का मजा लेते हैं। निशा तुम जैसे कार को अपनाने से तो अच्छा होगा मैं उस गुंडे की रखेल बन जाऊँ। अगली बार ये हाथ किसी मर्द पर उठाना। Thank you.
इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा ये स्वीकार करने आया कि उसने निशा के साथ ना तो सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसे अगवा करने का प्रयत्न भी किया। संजय बाबू, ये आपके साथ मारपीट करके कहीं जबरदस्ती तो कबूल नहीं करवा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आप लोग अब भी इसे बचाना चाहते हैं जो इस शहर की इज्जत को जब चाहे तब रौंदता है? आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। मैडम क्या है वो? आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं मंत्री जी के पास जाऊंगी। माफ करना संजय बाबू, ये हमारी नौकरी का सवाल है, आइए। अबे अबे ओ थानेदार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे बंद करेगा तू? साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सब संभाल लूंगा। बलन सिंह सेल साफ कर दो। छोड़ मुझे, अबे छोड़। क्या देख रहे हो अर्जुन? शास्त्र उठाने वाले हाथ आज शस्त्र बन गए। ये नेक काम तो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। अन्याय के खिलाफ हाथ उठाना न्याय है। हाँ तुम ठीक कह रही हो निशा, पर इस युद्ध का अंत क्या होगा? युद्ध का सिर्फ आरंभ होता है अर्जुन, जो हो चुका है। हार होगी या जीत ये कोई नहीं जानता। अब तुम्हारा कर्म और धर्म सिर्फ इस युद्ध को लड़ना है। निशा, इस युद्ध में तुम मेरे साथ हो ना? मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ अर्जुन, जिंदगी भर।